हरि ओम हरि ओम श्री राम अम्बज्ञ नाथ सर नाथ सर नाथ कष्ट के बिना फल नहीं ओके और बाकी सारी चीज़ों के लिए तो हम लोग कष्ट करते रहते हैं वी गो ऑन पुटिंग अवर ऑल एफर्ट्स इन एवरीथिंग व्हाट एवर यू डिजायर फॉर जो हमें चाहिए उसके लिए हम लोग बहुत प्रयास करते रहते हैं मन से तन से धन से लेकिन ये सब चीज़ जो देता है उसके लिए हम कितने श्रम करते हैं ये कभी ना कभी सोचना चाहिए मेरे भगवान के लिए मैं कितने परिश्रम करता हूँ हमें लगता है भगवान के लिए परिश्रम करना है ना क्या सेवा कार्य में भाग लेना दूसरों की सेवा करना दरिद्र नारायण की सेवा करना पीड़ितों की सेवा करना सब कुछ सही है ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है मैं उसके लिए क्या करता हूँ दिन में कम से कम एक चीज़ उसके लिए करना चाहिए बराबर उन्होंने बापू हाँ हम हार डालते एक दिया जलाते उदबत्ती जलाते राइट अरे फोटो ने घर में रखा है ये बहुत हो गया राइट मे बी ट्रू लेकिन उसके लिए क्या करता हूँ मैं खुद हर रोज ये सोचना चाहिए उसके लिए क्या कर सकते हैं कुछ भी सब कुछ सादी सादी चीज़ें होती है ओके जैसे कि दिया जलाते समय उदबत्ती लगाते समय ओके हम पूरे मन से उसे कह दें ये दीप भगवान को दिखाने की क्या आवश्यकता है तू तो अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता है लेकिन फिर भी मैं दीप जला रहा हूँ तेरे लिए क्योंकि मुझे मालूम है मैं जब भी अंधेरे में होता हूँ तो वहाँ रोशनी लाता है ये सोचना उसकी सेवा करना है ओके हर रोज सुबह उठने के बाद उससे बोलना जो भी नाम आपको अच्छा लगता है भगवान तू मेरा है और मैं सिर्फ तेरा हूँ इसका मतलब भी नहीं कि आप सन्यासी हो गए सारे ना रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ लिया तू मेरा है और मैं तेरा हूँ मैं तेरा दास हूँ तुझे चाहे करवा ले मैं करने को तैयार हूँ ये सेवा है ओके हर रोज मैंने बोला है आप लोगों को कि ये लाइफ कैसा हो गया आजकल सेडेंटरी स्थाई जीवन हो गया पहले के 30-40 साल पहले ना ये औरतों के लिए मिक्सर थे ना ओवंस थे ना माइक्रोवेव्स थे ना गैस के चूल्हे थे हम लोग भी कॉलेज को जाते थे तो साइकिल पर जाते थे तो चल के जाते थे ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते थे तो घूमते थे 15-20 मिनट का चलना है तो उस उधर तक बाइक होकने के बावजूद भी बाबू लोग बाइक लेके जाना मन में भी नहीं आता था आजकल जॉब भी कैसा होता है आराम से चेयर पर बैठकर घर में आने के बाद तो बस बैठे रहते हैं सोफा पर टीवी देखते हुए इधर अपने मोबाइल के साथ दिस कॉल ए सेडेंटरी लाइफ स्टाइल इससे क्या होता है इससे सारे दुष्परिणाम इसके हमारे तन और मन पर होते रहते हैं सो हमारी खुद की सेहत अच्छी रखना हमारी खुद की हमारा मन और तन एक्टिव रखना कार्यशील ये भी उसकी सेवा है जान लो कैसे तकलीफ हो जाती है तुम्हें कष्ट कौन उठाता है वो उठाता है कीप द रूल ऑफ 20-20-20 इट इज इन मेडिसिन कॉलेज रूल ऑफ 20-20-20 एक जगह बैठ रहे हो 20 मिनट के बाद उठना जिस जगह से 20 फीट की दूरी तक देखना लुक एट द डिस्टेंस ऑफ 20 फीट देन वॉक फॉर 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड चलना फिर चल के वापस आना 40 सेकेंड फिर बैठ जाना अभी पिक्चर देखने बैठे तो ऐसा मत करा लोग पत्थर मारेंगे
कि काम करते समय अपने घर में आराम से टीवी देखते समय ध्यान में रखना आवश्यक है कि हर 20 मिनट के बाद अगर हम लोग ज़्यादा बैठते हैं तो हमारे मसल्स टेंस हो जाते हैं, उनमें टेंशन बढ़ जाता है। उसके कारण क्या होता है, शरीर में विकृतियाँ, एबनॉर्मलिटीज, पैथोलॉजीज तैयार होती है। इसीलिए द रूल ऑफ 20-20-20, कितना भी हेल्दी मस्कुलर जिम्मे वाला व्यायामशाला में जाने वाला पर्सन क्यों ना हो, 20 मिनट के से ज़्यादा एक ही पोजीशन में बैठा रहे तो 40 मिनट चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 20 मिनट बैठने से शरीर को बहुत तकलीफ होती है और मन को भी तकलीफ होती है। हम लोग जब ज़्यादा समय बैठते हैं तो हमारे ब्रेन्स में ऐसे केमिकल्स तैयार होते हैं कि जो हमें नैराश्य देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, एंग्जाइटी देते हैं, भय देते हैं। तो ये जानकर चलते रहना, मैंने 2000 साल में बताया था सबको, यही प्रवचन में और एक में, कम से कम 1.5 घंटा चलना चाहिए, कम से कम 1 घंटा तो चलो। 1 घंटा कंटिन्यूस चलने का नाम मिले तो 20-20 मिनट्स 3 टाइम्स चलो, चलते रहो। कितना मानते हैं हम लोग, नहीं करते, राइट? मेरा तो इतना, मैं इतनी पतली दुबली पतली हूँ, मुझे क्यों चलना चाहिए? अरे सबको चलना चाहिए, सिर्फ मोटे हैं उनके लिए नहीं, सबका दिमाग एक जैसा ही है, राइट? मन में केमिकल्स वही है सबके, मान लो कॉलेज न्यूरो केमिकल्स वही होते हैं। तो ये चलना भी उसकी सेवा है। और इसके साथ साथ उसका नाम रटना, ये भी उसकी सेवा है। सिर्फ जब हमारी कुछ मांगे होती है, जब हम उसके पास जाते हैं और उसका स्तोत्र गाते हैं, वो उसकी सेवा नहीं होती, वो खुद की सेवा होती है। कि कोई मांग नहीं है फिर भी उसके लिए, दादा ने बोला 11 बार स्तोत्र बोलो काम हो जाएगा, तो 11 बार बोलो खुद के लिए, 1 बार बोलो उसके लिए, ये उसकी सेवा होगी। राम नाम वही लिखना है डिजिटल या नोटबुक पर, ये उसकी सेवा है। या मंत्र गजर करना, 16 माला करना, उसकी सेवा है। उसने जो अनुभव दिए मुझे या मेरे दोस्तों को या पहचान वाले लोगों को, उनकी या उन्हें याद करना, ये सेवा है। ओके, प्रदक्षिणा करना सेवा है, पाद्य पूजन करना सेवा है, पादुका पूजन करना सेवा है, तेरे का मठ में जाना सेवा है, गुरुक्षेत्र में आना सेवा है, गुरुक्षेत्र में लोटांगण यानी साष्टांग नमस्कार करना सेवा है। हम सेवा का अर्थ ही नहीं जानते। भज सेवायाम, भजन करना सेवा है। हम लोगों ने अभी भजन सीखा है, ये सभी सेवा है। यही सेवा है उसे सबसे ज़्यादा प्रिय लगती है। जितना भक्त श्रद्धावान भक्ति रस में आनंद पाने लगता है, उसके 10 गुना वो भगवान प्रसन्न होता रहता है। इसे कहते हैं रसमाधुरी। क्या कहते हैं? रसमाधुरी, क्योंकि वो खुद मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सो जब हम हमारी भक्ति में माधुर्य लाते हैं तो उसे अच्छा लगता है। उसे अच्छा लगना यही उसकी सेवा करना है, राइट? हमारे पास उसकी मूर्ति है, उसकी तस्वीर है, उसका लॉकेट है, जो भी है, उसे कभी स्नान दिलाए खुद? जब खुद स्नान को जाते हो ना, एक बार मूर्ति भी लेके जाना, सामने स्टूल पर रखना, और जैसे पहले खुद स्नान करना, बाद में उसे भी सोप लगाओ, शैम्पू लगाओ। यस, कोई विधि की, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बाद में उसके लिए अलग टॉवल रखना, उसे टॉवल से पोछना, करके देखो, इससे रसमाधुर्य उत्पन्न होगा। एक दिन खाना खाते समय उसकी मूर्ति को या तस्वीर को तुम्हारे बाजू में रखो या सामने रखो। हर एक नेवला जो आप हाथ में लेंगे, पहले उसके मुंह को दे देना, बाद में खुद खाना, और उसके बाद में भूलना नहीं उसका मुंह पोछने के लिए।
यस। और सिर्फ जितना तुम्हें चाहिए उतना ही उसको नहीं चखाना, उसको पूछना और चाहिए, राइट ये करके देखना, फील दिस इज नॉट नॉन लिविंग एंटिटी, ये तस्वीर है, नॉन लिविंग नहीं है, ये अजीव नहीं है, ये जीवंत है, ये मानकर सेवा करना, करके दे। कोई हंसे तो हंसने दो, हंसने वाले कुछ काम के नहीं होते, हमें हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसके लिए सिर्फ हंसते रहते, देने को कोई नहीं आता, करने को कोई नहीं आता, सहाय करने कोई नहीं आता, कितने की मूर्खता लगे, लगने तो हमें क्या फर्क पड़ता है, लोगों के कहने से हमारे जीवन में सुधार कभी हुआ है, मैं लाके तुम्हें पैसे दिए अभी तक, चलो ये 10 करोड़ ले ले, सुख से रह ले ले, चलो ये डिग्री ले ले, स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, अरे ऐसे कोई ला कर दी तो बाद में प्रॉब्लम होने वाले, राइट। ये सब सेवा होती है, ध्यान में रखना, उसके लिए अभी जब ये अपना कोई उत्सव रहता है, सब मार्केट में चंपा के फूल जो होते हैं बड़े महंगे हो जाते हैं, तब हमें याद आती है लानी चाहिए, लानी चाहिए, लानी चाहिए, उसको अच्छा लगता है, लेकिन बाकी के दिन मेरा खुद का बर्थडे यानी तुम लोगों का, मेरे बर्थडे की बात नहीं कर रहा हूँ, हर किसी को सोचना चाहिए कि तुम्हारा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, उस दिन मैं जाकर चंपा के फूल ढूंढ के लाऊँगा, कहाँ से भी, इस बाजार नहीं मिले उस बाजार में जाऊँगा, उस बाजार नहीं उस बाजार में मिलूँगा, और उसके फूलों की कम से कम एक तो फूल चढ़ाऊँगा, ये सेवा है, राइट। उसके बर्थडे के दिन उसके सामने बैठकर केक काटकर मोमबत्ती जलाकर हैप्पी बर्थडे बोलना, ये उसकी सेवा है, समझे। सो सेवा की परिभाषा जान लो, सेवा यानी शुद्ध प्रेम, ओके। सो ये करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो सेवा कितनी आसान है ये जान लगे, हम लोग आज जान गए, तो हम सेवा करेंगे, वो कबूल कर लेगा क्या, लेकिन हाँ श्योरिटी नहीं है, देखिए हाँ जोर से नहीं आई, वह मान लेगा, कबूल करेगा, वो स्वीकार करेगा, मुझे नहीं लगता, आर यू श्योर, क्या वर्ड आना चाहिए, नक्की नक्की नक्की। सो आज से ऐसी सेवा शुरू की जाए, ओके, बड़े जोर से, बड़े प्यार से, ओके, जरूर, क्योंकि मेरे माँ की तस्वीर हो या खुद माँ सामने खड़ी हो, उसकी सेवा ऐसा ही करता हूँ, ओके। दत्त गुरु की तस्वीर मेरे साथ है, मेरे साथ खाना खाती है, ओके। तो हमें जानना चाहिए, अगर ये जो हमें बता रहा है वो खुद कर रहा है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, ओके, श्योर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।